सीएम मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर आईआईएम के कैंपस की रखी आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कार्यक्रम। मौके पर ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी हुए शामिल। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 38वां दिन। सरकार और अन्नदाताओं के बीच अब तक 7 चरणों में हुई बातचीत। 4 जनवरी को होगी सरकार और अन्नदाताओं के बीच अगली बैठक। सभी देशवासियों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी सरकार। किसी भी दिन सरकार टीकाकरण के कार्यक्रम का कर सकती है ऐलान। आज देश भर में वैक्सीन के लिए हुआ ड्राई रन। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार बूटा सिंह का निधन। 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बूटा सिंह के निधन पर जताया शोक। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान जारी। ममता बनर्जी को एक और झटका। शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु सहित 15 नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ, बीजेपी में हुए शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति को लेकर दिया बड़ा बयान। कोई व्यक्ति हिंदू है तो वे अपने आप ही देशभक्त होगा। हिंदू नहीं हो सकता कभी राष्ट्र विरोधी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत पर पलटवार। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को क्या कहेगी आरएसएस। हिंदुओं की देशभक्ति पर उठाया सवाल। RJD के बयान पर CM नीतीश का पलटवार। कहा 2021 में कोई सियासी संकट नहीं। विपक्षी दल RJD के नेताओं की तरफ से लगातार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने का किया जा रहा दावा। पंचायत चुनाव के बाद होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। 14 जनवरी को बैठक में होगा फैसला। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा संपन्न। अब ताजमहल देखे बगैर नहीं लौटेंगे पर्यटक। ऑनलाइन के साथ विंडो से भी मिलेगा टिकट। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पहले की ही तरह 15,000 सैलानियों की हो सकेंगी टिकटें बुक। ऑस्ट्रेलिया चीन विवाद में फंसे 39 भारतीय नाविक रिहा कराने के लिए भारत ने शुरू की बातचीत। सभी नाविकों को जल्द ही रिहा किए जाने का अनुमान। KP शर्मा ओली के दावों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद ओली की ओर से पार्टी पर किया गया था दावा। ओली पार्टी और चुनाव चिन्ह पर कर रहे हैं दावा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन से बताया अपने देश को खतरा। कहा क्षेत्र में चीन लगातार बढ़ा रहा है सैन्य ताकत। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से आर्थिक अलगाव के साथ खत्म की ब्रेग्जिट की लंबी यात्रा। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अब हम आजादी के साथ अपने फैसले ले सकते हैं, ये एक शानदार पल। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासी सम्मान में बदला राष्ट्रगान का एक शब्द। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को फॉर वी आर यंग एंड फ्री से बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री किया। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने एकता की भावना करार देते हुए की घोषणा। सेबी ने मुकेश अंबानी पर लगाया 40 करोड़ का जुर्माना। कंपनी पर लगाया शेयर ने गड़बड़ी करने का आरोप। दो अन्य कंपनियों पर भी लगाया जुर्माना। सहायक अधिकारी ने कहा निवेशकों का विश्वास खत्म करता है हेरफेर। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। दिसंबर में पहली बार GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1.15 लाख करोड़ के पार। नए साल में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। करण जौहर ने किया फिल्म मुंबईकर का फर्स्ट लुक लॉन्च। ट्वीट कर फिल्म में काम कर रहे अभिनेताओं को दी शुभकामनाएं। फिल्म में विजय सेतुपति और विक्रांत मेसी निभाएंगे रोल। अनुषा दांडेकर ने करण कुंद्रा के साथ ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी। बोली प्यार में धोखा मिला। पिछले 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर। न्यू ईयर ब्रेक के बाद एक्शन में टीम इंडिया। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस का वीडियो शेयर कर कहा नया साल नई ऊर्जा, कैसा है ये जोश। अभी मेलबर्न में ही है भारतीय टीम।